थाने में युवक और पुलिस के बीच हुई मारपीट का ये वीडियो मैनपुरी के महिला थाने का बताया जा रहा है, जहां एक युवक और पुलिस के बीच हाथापाई हो रही है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। पुलिस के मुताबिक पत्नी से विवाद के चलते थाने में इस युवक की काउंसलिंग हो रही थी और इसी दौरान युवक हाइपर हो गया और मारपीट करना शुरू कर दिया। थाने में मारपीट करने वाले इस युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं परिजनों के मुताबिक मारपीट करने वाला ये युवक मानसिक रूप से बीमार है और फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। छोटे भाई का है। अच्छा। और उसकी दिमाग बहुत खराब है, उसका एम्स के चिकित्सकों द्वारा इलाज चल रहा है, एम्स में दिल्ली में, जिसकी दिमाग ही हालत खराब है, उसको मिलने के दौड़े आते हैं और साइकियाट्रिक के द्वारा ये एम्स में इसका इलाज चल रहा हुआ सारा चल रहा हुआ है 2 साल से। तो डॉक्टरों का कहना है ये सही से सोया नहीं, दवाई टाइम से नहीं देगा तो ये सही नहीं हो पाएगा लगा, और ये उसको अग्रेसिव हो जाता है, मारपीट करने लगता है लोगों से। इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे युवक पहले पुलिस से बहस कर रहा है और उसके बाद पुलिस को थप्पड़ मारता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बाद पुलिस ने भी अपना आपा खो दिया और युवक को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को भी उस पर हाथ उठाने पड़े। इस हाथापाई को रोकने के लिए थाने में तैनात पुलिस वाले भी बीच में आते हैं और युवक को गिरफ्तार कर लेते हैं।